everyone. I am Savi and you're watching Dotted Dreams. आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि घर पे ही हेयर स्ट्रेटनर से कैसे बालों को परफेक्टली स्ट्रेट कर सकते हैं, जस्ट लाइक यू गेट इट डन इन अ पार्लर. तो शुरू करते हैं आज का वीडियो. स्ट्रेट बालों का एक बहुत ही स्लीक लुक आता है और जनरली मैं भी खुद प्रेफर करती हूँ कि कोई स्पेशल ओकेजन है या इवेंट है तो मैं बालों को स्ट्रेट कर लूं. लेकिन अक्सर मैंने सबसे ये सुना है कि अगर हम घर पे खुद बाल स्ट्रेट करते हैं तो वो पार्लर जैसा परफेक्ट स्ट्रेट, यू नो, दैट परफेक्ट स्लीक लुक नहीं आता. लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि कैसे आप घर पे अपने हेयर स्ट्रेटनर से पार्लर की तरह अपने बालों को परफेक्ट स्ट्रेट कर सकते हैं. तो कुछ थोड़े थोड़े टेक्निक्स है, कुछ एक मेरा सीक्रेट है जो मैं आपसे शेयर करूंगी. एंड यू कैन सी कि आज मैंने अपने बालों को वैसे ही स्ट्रेट किया है इस वीडियो को बनाने से पहले, और आप देखेंगे कि मैं काफी फ्लॉन्ट कर रही हूं अपने स्ट्रेट बालों को. यू नो, बहुत ज्यादा अच्छा लुक आया है. यू नो, देयर इज अ शाइन, देयर इज अ लस्टर, एंड यू नो, बहुत ही स्लीक परफेक्ट लुक आया है. सो चलिए देखते हैं कि कैसे आप ये लुक को पा सकते हैं घर पे ही विद ओनली योर हेयर स्ट्रेटनर. सो लेट्स स्टार्ट. सो इस वीडियो में मैं जो स्ट्रेटनर यूज कर रही हूँ वो मेरे फिलिप्स का हेयर स्ट्रेटनर है. एंड यू वोंट बिलीव, इसको मैंने लिया था, आई थिंक उस बात को 9 से 10 साल हो गए होंगे. उससे पहले मैंने ये स्ट्रेटनर खरीदा था एंड अब तक टचवुड ये बहुत अच्छा चल रहा है. सो मैं इस स्ट्रेटनर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रही हूँ, आप भी इसको ऑर्डर कर सकते हैं और यू नो, घर पे ही मिनटों में अपने बालों को स्ट्रेट कर सकते हैं. तो शुरू करते हैं अपना प्रोसेस. सबसे पहले मैंने स्ट्रेटनर को ऑन कर लिया है और इसे 5 मिनट तक छोड़ दिया है कि अच्छे से हीटेड अप हो जाए. और आप देखेंगे इसकी लाइट ग्लो कर रही है, ये गर्म हो रहा है. और अब मुझे कुछ कुछ चीज़ें चाहिए, जैसे मुझे कोम चाहिए, एक रबर बैंड चाहिए, एक क्लचर चाहिए और चाहिए हमारा मैजिक प्रोडक्ट, दैट इज़ अ एलोवेरा जेल. अब मैं बताऊँगी कि इसको मैं कहाँ यूज़ करने वाली हूँ. बाल स्ट्रेट करने से पहले बाल बहुत अच्छे से शैम्पूड होने चाहिए, ड्राई होने चाहिए और बहुत वेल कोम्ब्ड होने चाहिए. बिल्कुल भी लटे या एंटैंगल्ड नहीं होने चाहिए. अब बालों को मैं 2 पोर्शंस में डिवाइड करूंगी बीच की मांग निकाल के. एक पोर्शन को मैंने रबर बैंड से टाई कर दिया है, ये पार्ट को मैं बाद में करूँगी स्ट्रेटन, और इस वाले दूसरे पार्ट को मैं पहले स्ट्रेटन करूँगी. तो इसके लिए इसको एक तरफ करके नीचे की साइड से, आप देखेंगे नीचे की साइड से पतले पतले स्ट्रैंड्स को मैंने लेना शुरू किया है और बाकी के पोर्शन को क्लच करके अलग से उसको ऊपर टक कर दिया है. अब बारी आती है एलोवेरा जेल की. अब हाथों में एलोवेरा जेल लेके जिस स्ट्रैंड को मुझे स्ट्रेट करना है उस पर अच्छे से उसे मसाज करें, प्रॉपरली उसे कोम करें और फिर अपना गर्म स्ट्रेटनर उसके ऊपर लगाएं. अब एलोवेरा जेल एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह यूज़ करता है, क्योंकि जब हम बालों को स्ट्रेट करते हैं तो बाल बहुत हाईली हीटेड अप हो जाते हैं, जिससे कि बालों के डैमेज होने के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं. लेकिन अगर आप एलोवेरा जेल जैसा एक सूदिंग प्रोडक्ट यूज़ करते हैं तो बालों को ना सिर्फ एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह एक्ट करता है एंड एट द सेम टाइम बालों को एक शाइन और लस्टर भी देता है. सो एलोवेरा जेल को ज़रूर यूज़ करें जब भी आप बाल स्ट्रेटन कर रहे हैं. सो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से मैंने स्ट्रैंड्स लिए हैं, जेल अप्लाई किया है, एक कोम से उसको बालों को सुलझाया है और फिर उसके ऊपर मैंने स्ट्रेटनर लगा के. आप मेरे हाथों के मूवमेंट को देखिए कि मैं स्ट्रेटनर से बिल्कुल नीचे की तरफ थोड़ा सा जोर लगा के उसको स्ट्रेट पुल कर रही हूँ, तो बिल्कुल परफेक्ट पार्लर वाला लुक इससे निकल के आएगा. सो धीरे धीरे पतले पतले स्ट्रैंड्स को लेते जाना है, जेल लगाना है, कोम करना है और फिर उसको स्ट्रेटनर से पुल करते जाना है. सो अच्छे से टाइटली उसको स्ट्रेटनर से पुल करें, स्ट्रेटनर को बिल्कुल सीधा रखें, नीचे की तरफ खींचें और आप देखेंगे धीरे 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 किस तरीके से बाल परफेक्टली बढ़िया स्ट्रेट होते जाएंगे. थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत है, थोड़ा सा टाइम देने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आपको वैसे स्लीक वाला लुक चाहिए, पार्लर जैसा लुक चाहिए, तो थोड़ी तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी. तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से धीरे धीरे मैं अपने बाल स्ट्रेट करते जा रही हूँ. तो देखते हैं फाइनली एक पार्ट स्ट्रेट होके कैसा लगता है. सो अब मेरे ये लास्ट वाला आगे का स्ट्रैंड है जिसको मैं स्ट्रेट कर रही हूँ, और उसके बाद आप देखेंगे कि एक पूरा साइड मेरा स्ट्रेटन हो गया है. कितना प्यारा लग रहा है ये, कितनी शाइन है बालों में और बहुत अच्छे से स्ट्रेटन हो गया है. अब क्या करना है मुझे, आप देखेंगे, हाँ, यस, इट लुक्स रियली लुक्स गुड. और उसके बाद अब मैं क्या करूँगी, जो स्ट्रेटन वाला पार्ट है उसको रबर बैंड लगा दूंगी अच्छे से, और जो दूसरा पार्ट है जिसे मुझे स्ट्रेट करना है, अब मुझे सेम टू सेम प्रोसेस जो मैंने उस साइड किया था, अब उसको मैं इस साइड पे रिपीट कर रही हूँ.
वैसे ही पतले स्ट्रैंड्स लें, जेल लगाएं, कोम करें और फिर बढ़िया स्ट्रेटनर से बिल्कुल नीचे की तरफ टाइटली खींचें और देखें स्ट्रैंड बाय स्ट्रैंड कैसे बाल कितनी खूबसूरती से स्ट्रेटन होते जा रहे हैं। सो फाइनली हो गए पूरे के पूरे बाल स्ट्रेट और बिल्कुल परफेक्ट पार्लर की तरह मज़ेदार स्ट्रेट हुए हैं। अब एक चीज़ मैं बताती हूँ कि आगे के बालों में थोड़ी सी हैवीनेस लाने के लिए अपने सिर्फ आगे के पोर्शन को अलग से ले लें और उसको ऊपर की तरफ अपने स्ट्रेटनर को दो चार बार घुमाएं। इससे क्या होगा कि आगे के बाल बहुत अच्छे से सेट हो जाएंगे। सिंस मैं साइड पार्टीशन ज़्यादा प्रेफर करती हूँ तो मैंने साइड पार्टीशन कर लिया है और देखिए कितने खूबसूरत बाल स्ट्रेट हुए हैं। पूरा का पूरा लुक ही ट्रांसफॉर्म हो गया है, चेंज हो गया है। आई रियली होप कि आपको आज का वीडियो बहुत 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 पसंद आया होगा और आप इस तरीके से बालों को स्ट्रेट करने वाले हैं और एलोवेरा जेल को भी जरूर यूज करेंगे बिफोर स्ट्रेटनिंग। एक्चुअली मैं इतने पास से आके आपसे इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज आई रियली वॉन्ट टू शो यू, यू कैन सी हाउ ब्यूटिफुली माई हेयर हैज बीन स्ट्रेटन एंड यू कैन सी द शाइन इन माई हेयर। वेल, मेरे हेयर बहुत ही फिजी और रफ और फ्लफी है लेकिन कुछ दिनों से मैं कुछ ऐसे हेयर पैक्स यूज कर रही हूँ जिनकी वजह से आई हैव फाउंड अ कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्मेशन इन माई हेयर क्वालिटी और इसको भी मैं बहुत जल्दी इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाने वाली हूँ जिसमें आपसे मैं शेयर करूंगी कुछ ऐसे मिरेकल हेयर पैक्स जिससे कि आपके भी रफ डैमेज्ड हेयर बहुत ही ज्यादा मैनेजेबल और प्यारे हो जाएंगे। सो अगर आपको आज का वीडियो बहुत 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 पसंद आया होगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में भी जरूर लिखें कि आपको ये तरीका कैसा लगा। और अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं और आप मुझे बार बार देखना चाहते हैं तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, अदरवाइज आपको नहीं पता चलेगा कि मेरे वीडियोस कब कब आ रहे हैं। सो सी यू नेक्स्ट टाइम विद द नेक्स्ट कॉन्टेंट। बाय द टाइम टेक लॉट ऑफ केयर ऑफ योर सेल्फ, कीप शाइनिंग, कीप स्टाइलिंग एंड कीप फ्लॉन्टिंग योर ब्यूटिफुल स्किन एंड योर हेयर। सो बाय द टाइम, see ya!